जिले सम्मिलित हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीन जिले शेखावाटी के अंतर्गत हैं। यहाँ की अगर हम बात करें नदी क्षेत्र की, तो यहाँ जो प्रमुख रूप से जो नदी है, कांतली नदी। कौन सी नदी? जो कि आंतरिक अपवाह की नदी है। और कांतली नदी की अगर बात करें, तो कांतली का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तवरावाटी या तोरावाटी कहलाता है। तवरावाटी, क्योंकि यह तवर राजपूत क्षेत्र है, इसलिए इसको तवरावाटी या तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। वहीं हम बात करें, इसी कातली नदी के एक सब किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। जिसे राजस्थान इतिहास कह दो या भारतीय इतिहास कह दो, किसकी जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, यानी ताम्र का जन्म स्थान यही माना जाता है। ठीक है, और यहां से भट्टी के अवशेष भी मिले थे, जो तांबा गलाने की भट्टी थी उसके अवशेष भी मिले थे। ये हिस्ट्री की बातें हैं, ज्योग्राफी में। देखिए, राजस्थान के पश्चिमी थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा हमने, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क को हम पुनः दो भागों में बांटा, एक बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। युक्त क्षेत्र की बात करें तो कितना प्रतिशत है? 58.5%। और मुक्त प्रदेश की बात करें तो 41.5%। अब मुक्त प्रदेश की बात करें तो मुक्त प्रदेश का विस्तार पोकरण, फलोदी और बालोतरा, यानी तीन जिलों में है। इधर जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां पर रेत के टीले ना होकर क्या है? चट्टाने हैं। और इस चट्टानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? हम्मादा। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं क्या है? अधिक है। अधिक होने के कारण इसको कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया है? सीज क्षेत्र, या कह सकते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। कितने जिलों में? तीन जिलों में, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, वहीं अगर जिले विशेष की बात करता है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं किस जिले में है, तो जोधपुर आएगा। ठीक है, और इसीलिए जोधपुर में एक सोलर पार्क की भी सौर पार्क की भी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश की, तो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत हम घग्गर के मैदान, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश और लूणी बेसिन या लूणी प्रवाह क्षेत्र को रखते हैं। तो घग्गर के मैदान की अगर बात करें, तो घग्गर नदी कालका पहाड़ हिमाचल प्रदेश में से निकलती है और हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। गंगानगर हनुमानगढ़ के इस क्षेत्र में बहती है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है नाली या पाट। ठीक है, यूं कहें कि राजस्थान की या भारत की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली या पाट। अब वर्षा काल के दौरान ये क्या होता है, इसका इसका प्रवाह जो क्षेत्र है पाकिस्तान के इस तरफ चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक इसका पानी चला जाता है, और इस क्षेत्र में इसको कहा जाता है हकरा। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा। अगर घग्गर नदी की बात करें, तो ये घग्गर नदी जो जिसका अवशेष मानी जाती है वो मानी जाती है सरस्वती। सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है, और सरस्वती नदी के मार्ग की जो खोज की थी वो डॉक्टर ओल्डहम ने की थी। ठीक है, कि सरस्वती नदी किधर किधर से बहती है, और इसके साथ साथ सरस्वती नदी की दृश्यवती नदी भी कहा जाता है।
अब वर्तमान में ये नहीं बहती, वर्षा काल के दौरान ये बहती है, इसलिए इसको मृत नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये लिख लीजिए आप। समझ में तो आ ही गया होगा यहां तक, और आगे बता दूंगा। लिखिए, थार के मरुस्थल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। सबसे पहले लिखिए, इनके आगे प्रतिशत भी लिख लीजिए, वो सॉरी शुष्क प्रदेश में लिखिए, शुष्क प्रदेश को ऐड हेडिंग बना लीजिए, उसके आगे लिखिए राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे सहारे दस सेंटीमीटर से 10 से 20 लिख लो, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र को या जिलों को शामिल किया जाता है। यानी बीकानेर का जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जैसलमेर जिला सम्मिलित कर सकते हैं, और बाड़मेर का भी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसे दो भागों में बांटा गया है। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, एक दो नंबर डाल के लिख लेना। एक नंबर बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र का आगे प्रतिशत लिख लीजिए, 41.5% क्षेत्र, 41.5% क्षेत्र। और बालुका स्तूप युक्त 58.5% क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः पोकरण, कोष्टक में जैसलमेर लिख लीजिए, कोमा फलोदी, कोष्टक में जोधपुर लिख लीजिए, वह बालोत्रा के मध्यवर्ती क्षेत्र में
चट्टानी क्षेत्र के रूप में है। जिसे हम्मादा प्रकार का मरुस्थल, जिसे हम्मादा प्रकार का मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए, हाँ, चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए इसे सीज क्षेत्र, SEZ, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए इसी के आगे, सीज के आगे, सोलर एंटरप्राइजेज एनर्जी जोन, वो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। घोषित किया गया है, नोट डाल के यहीं लिख लेना, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं जोधपुर जिले में, हाँ, संभावनाएं जोधपुर जिले में मानी गई है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो शेष जो क्षेत्र है, जो जिसमें बालू के टीले निर्मित हैं, वो क्या कहलाएगा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत है। ठीक, तो उसके आगे बाद में लिखिए अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में बांट दिया हमने। सबसे पहले लिखिए घग्गर बेसिन या घग्गर प्रवाह क्षेत्र, घग्गर प्रवाह क्षेत्र, घग्गर बेसिन कह दो या घग्गर प्रवाह क्षेत्र कह दो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खा लो निगल लो ढोंस लो, एक ही बात है। घग्गर की बात कर लेते हैं तो इसका उद्गम, उद्गम लिखो, ऐसे जैसे मैं यहां लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते चले जाना। ठीक है, उद्गम लिखो काल का पहाड़, काल का पहाड़ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र नाली या पाट, नाली या पाट। अवशेष की बात करें कि किस नदी का अवशेष है, तो सरस्वती, क्योंकि जब अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पे ये बातें नहीं होंगी भौतिक से संबंधित, वहां नदी से संबंधित बातें होंगी। ऐसे तो एक बार तो रिवाइज करवा दूंगा, ऐसा तो शायद ही कोई टॉपिक बचा होगा जिसे रिवाइज नहीं करता चल रहा मैं। अवशेष के रूप में बात करें हम सरस्वती नदी,
और सरस्वती के प्रवाह की खोज के प्रवाह की खोज डॉक्टर ओल्डहम हाँ हम मुड्डे ओल्डहम डॉक्टर ओल्डहम ने की थी। नेक्स्ट हम बात करें पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक है। यहां इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। अपवाह, प्रवाह, बेसिन आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। मृदा की बात करें, यहां मृदा किस प्रकार की पाई जाएगी? तो नदी द्वारा जो मृदा का जमाव किया जाता है, अपने साथ जो बहाकर लाई जाती है मृदा, उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, और जलोढ़ को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक खादर और एक बांगर। अगर हम बात करें खादर की, तो ये नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़ मृदा। और बात करें हम बांगर की, तो ये प्राचीन जलोढ़ होता है। और जलोढ़ की ही बात करें हम, तो जलोढ़ को एल्फी सोल, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एल्फी सोल कहा जाता है। इसी को हम कांप मृदा भी कहते हैं, इसी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़, एल्फी सोल, कांप, कछारी, दोमट। हाँ, जलोढ़ मृदा की बात चल रही है। ठीक है, और जलोढ़ को इसके जमाव के आधार पर या इसके निर्माण के आधार पर, वो जमाव के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। तो बांगर की बात करें तो जो प्राचीन जलोढ़ होता है, जैसे नदी इस मौसम में यानी इस साल तेज प्रवाह के साथ आई और अपने साथ अवसाद लेके आई, दूर दूर तक फैला दिया, फिर वो सामान्य स्थिति में आ जाएगी, उसके बाद काफी दिनों तक वर्षा नहीं हुई, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, और वो कोई तेज प्रवाह के साथ नहीं बही, तो अपने सामान्य स्थिति में जो बह रही है उसी क्षेत्र में बहती रही। अब जो दूर तक जो जमाव हुआ था वो हो गया आपका बांगर क्षेत्र। ठीक है, और जो साथ हर साल जमा करती रहती है उसको कहते हैं खादर क्षेत्र। तो नवीन जलोढ़ होगा वो खादर, और पुराना जो जलोढ़ होगा वो होगा बांगर। तो अब इसके संदर्भ में हम देखें तो यहां किस प्रकार की जलोढ़ होगी, बांगर या खादर? आज अगर घग्गर के प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम, तो कैसी जलोढ़ होगी? वर्तमान में अभी हमने चर्चा की थी कि इसको मृत नदी कहा जाता है, केवल और केवल वर्षा काल के समय ही ये बहती है, बाकी क्या है, सूख गई, डेड हो गई। तो इसलिए यहां किस प्रकार का बांगर मृदा का जमाव पाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस भौतिक प्रदेश में या किन जिलों में प्राचीन कांप का जमाव पाया जाता है।
जलोढ़ को ही एल्फी सोल कहते हैं, इसी को कांप कहते हैं, इसी को कछारी कहते हैं, इसी को दोमट कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में प्राचीन कांप का जमाव कहाँ पाया जाता है। तो सबसे प्राचीन की अगर बात करेगा तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, घग्गर के प्रवाह का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेगा तो लूणी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें प्राचीन कांप, उसके बाद तो फिर बनास में, बनास के बाद बात करें तो चंबल में, क्योंकि चंबल तो वर्ष भर बहती रहती। तो इस तरीके से प्राचीन कांप का जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसी आधार पर तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इन दो जिलों में रेवेरीना, ये भी एक मृदा का स्वरूप है, राजस्थान सरकार द्वारा जो बांटा गया है, 14 प्रकार की भूमि बताई गई है, उसी में एक प्रकार है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यहां जो मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की है, रेवेरीना प्रकार की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो नागौरी उच्च भूमि या शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले हैं। तो लिख लीजिए अब हेडिंग डाल के, शेखावाटी क्षेत्र या बांगड़ प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र या बांगड़ प्रदेश, दो शब्द हैं बांगड़ और वांगड़, इनमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। और आज के बाद अगर हुए तो तुम्हारा भगवान ही है। हाँ बता देता हूं, बांगड़ ये है आपका शेखावाटी क्षेत्र और वांगड़ ये है आपका दक्षिणी प्रदेश, जिसको पुष्प प्रदेश भी कहते हैं, या माही का जो जमाव क्षेत्र है माही के आसपास डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वो है आपका वांगड़ क्षेत्र। तो वै से याद रखना, वै पहले आता है तो ऊपर राजस्थान में रह जाएगा, और वै बाद में आता है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में नीचे की तरफ चला जाएगा। आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूज दूर कर लेना। तो इसमें लिखिए शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू सीकर व झुंझुनू जिले, 3 ही जिले आते हैं, चूरू सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। यहां प्राचीन जलोढ़ का या बांगर का जमाव पाया जाता है, प्राचीन जलोढ़ या बांगर का जमाव पाया जाता है। अतः इस प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, अतः इस प्रदेश को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कातली है, कोई बताएगा इसका उद्गम कहां से होता है? इस प्रदेश की प्रमुख नदी कातली है, अजमेर नागपाड़ी लूनी निकलती है, श्याम जी का मेला कहां लगता है, खाटू के पास में खंडेला की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। देखिए इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रजननी, सॉरी, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, जिसे ताम्रजननी सभ्यता कहा जाता है। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, आहड़ उदयपुर, ताम्रजननी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है।
कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है? तोरावाटी या तवरावाटी के नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात कर लें। शेखावाटी में अगर बात करें, जो घास के मैदान होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के जो मैदान होते हैं यानी चारागाह, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बीड़, बीहड़ और बीड़। तो बीड़ कहा जाता है घास के मैदान या चारागाह, किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र। बात करें और, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको कहा जाता है जोहड़, और अपने यहां क्या कहा जाता है? कच्चे कुएं कहा जाता है। पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नहीं, शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहलाते हैं? नाड़ा। और बात करें कि जो जोहड़ होता है, जोहड़ का केंद्रीय गहरा भाग, ये कहलाता है आपका चोभी। चोभी ये पूछा जा चुका है कि शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, या यो भी पूछ सकते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुओं का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चोभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, नाड़ी वगैरह इनके बारे में एक पूरी मरुस्थल की शब्दावली लिखवा देंगे, उसमें बताएंगे वो जल संरक्षण के संबंधित, क्योंकि मरुस्थलीकरण का एक पूरा टॉपिक है आपका, तो मरुस्थल से संबंधित जहाँ जल संरक्षण की बात है या मरुस्थल प्रसार की बात है वो सारी चीजें उसमें लिखवा देंगे। तो ये लिख लीजिए, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या चारागाह क्या कहलाते हैं? बीड़। कच्चे कुए क्या कहलाते हैं? जोहड़। और पक्के कुए क्या कहलाते हैं? नाड़ा। और जोहड़ का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चोभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, तो लिखिए नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। नेक्स्ट, शेखावाटी प्रदेश के बाद नागौरी उच्च भूमि, इसके अंतर लिखिए। इसका विस्तार 1 यानी जो नागौरी उच्च भूमि है, नागौर जिला पूरा और उसके अंतर्गत आसपास के जो क्षेत्र हैं, उच्च क्षेत्र, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। लिखिए, नागौरी उच्च भूमि को 3 श्रेणियों में, या इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक लिखिए गोठ मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जब हम खनिज पढ़ेंगे तब भी इसकी चर्चा होगी, ध्यान रखना। और वहां पूछूंगा कि यहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है।
दूसरी श्रेणी मकराना श्रेणी, और तीसरी श्रेणी जायल श्रेणी। जायल, थक गए? चलिए इनके आगे तो लिख लीजिए, किस किस का जमाव पाया जाता है ये चीज देखना है आपको। अगर बात करें हम मांगलोद श्रेणी की, तो गोठ मांगलोद के अंतर्गत जिप्सम का जमाव पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे ही लिख लो जिप्सम का जमाव। बात करें हम मकराना श्रेणी की, तो यहां पर संगमरमर का जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जायल श्रेणी की, तो जायल श्रेणी के अंतर्गत फ्लोराइड का जमाव पाया जाता है। समय क्या हो गया? 1:30 बजे। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब। और अगर आपको एग्जाम पास करना है तो इसका रिवीजन करते हो। अगर रिवीजन नहीं करोगे, आज लिखवा दिया इसको जाके रख दिया और फिर दोबारा पढ़ोगे, तो ना तो फिर ये याद होगा, फिर बोरियत महसूस होगी आपको। अगर अभी इसी को आधे घंटे का समय लगेगा मुश्किल से, ये 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जो भी क्लास हुई है, इसको आपसे 20 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज करने में। और इसको अगर आपने कर लिया ना, तो फिर बार बार बीच बीच में पूछता ही रहता हूँ, मैं भी रिवाइज करवाता रहूंगा और आप भी, तो याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है।